अस्सलाम वालेकुम के जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल स्टडीज लेक्चर। टुडे वी विल डू आवर सोशल स्टडीज रिटन क्वेश्चन नंबर 5 ऑन नोटबुक्स। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर नोटबुक्स एंड आई होप जैसे अभी आपको टीचर ने स्केच दिखाया है वैसा ही स्केच आपकी मम्मा ने या आपने खुद रेडी कर लिया होगा। उस स्केच में हम क्या रेडी करते हैं, हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं पेज के पिंक जो बॉक्स है आपका, उसमें हम लिखते हैं आज की डेट जो कि है 3/6/21। वी आर डूइंग क्लास वर्क राइट नाउ, सो वी विल मेंशन C.W. एंड आवर टुडेज डे इज वेडनेसडे। ठीक है, स्केच ऊपर फर्स्ट लाइन पे पिंक वाली लाइन पे या ग्रीन वाली लाइन पे रेडी करने के बाद फर्स्ट जो हमारी 4 लाइंस हैं उसमें आज का हम यूनिट लिखेंगे। यूनिट नंबर 1 आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे यूनिट नंबर 1 के बल्कि फर्स्ट पेज से है। SST की जो बुक है जो हमने फोटोकॉपी आपको दी हुई है उसके फर्स्ट पेज से ही है हमने क्वेश्चन लिया है। तो यूनिट नंबर 1 है हमारा, आपने यूनिट 1 लिखना है। उससे नीचे वाली लाइन में आपने लिखना है टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा आज का, टॉपिक है लाइक और डिसलाइक। लाइक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, लाइक का मतलब होता है पसंद और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद, वो चीज़ जो हमें पसंद नहीं होती। लाइक जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं और डिसलाइक वो चीज़ें जो हमें पसंद नहीं होती। तो पसंद और नापसंद से रिलेटेड ये टॉपिक है और इसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट दे आर सेइंग इन दिस क्वेश्चन, व्हाट दे आर आस्किंग, क्या पूछ रहे हैं वो इस क्वेश्चन में। दे आर सेइंग WRITE राइट, NAME नेम राइट, नेम WRITE राइट, NAME नेम राइट, नेम नाम लिखें। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है की का के, कोई भी की किसी का के। ठीक है, आगे है ये स्पेलिंग तो आपको अच्छी तरह आती होंगे क्योंकि अभी हमने काउंटिंग इन वर्ड्स में किए हैं। क्या है स्पेलिंग, THRE थ्री राइट, नेम ऑफ थ्री, तीन चीजों के नाम लिखने हैं। TH फिर से TH की साउंड होती है, THINE THINGS थिंग्स राइट, लिखे नेम नाम ऑफ थ्री थिंग्स तीन चीजों के, राइट नेम ऑफ थ्री थिंग्स तीन चीजों के नाम लिखे। ARA सारा, सारा LIKES likes, TO2 EAT eat का क्या मतलब होता है खाना। सारा likes पसंद करती है to eat, तीन चीजों के नाम लिखने हैं जो सारा खाना पसंद करती है या जो सारा को पसंद है खाने में, कोई सी भी तीन चीजों के नाम लिखने हैं। तो अगर हम अपनी फर्स्ट टेक्स्ट बुक या फोटोकॉपी का फर्स्ट पेज रीड करें तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कौन कौन सी चीजें हैं जो सारा को पसंद है, जो सारा खाना पसंद करती है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं। चलें आज अब हम उनके नाम लिखते हैं कौन कौन सी हैं वो चीजें। लेट्स स्टार्ट राइटिंग देयर नेम्स। राइट, दोबारा से मैं एक दफा आपको क्वेश्चन बता दूं, राइट लिखें नेम ऑफ थ्री थिंग्स, उन तीन चीजों के नाम लिखें। सारा लाइक्स टू ईट, जो सारा को खाना पसंद है या सारा खाना पसंद करती है। तो कौन कौन सी हैं वो चीज़ें स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज आपने देखा हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग उनमें से लिख रहे हैं खाने वाली ईटेबल चीज़ें कौन सी हैं। पिज्ज़ा, एप्पल एंड पोटैटो, पिज्ज़ा एप्पल एंड पोटैटो। सो वी विल राइट स्पेलिंग्स ऑफ पिज्ज़ा एप्पल एंड पोटैटो। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली आप में से बहुत से बच्चों को ये चीज़ें पसंद होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट स्पेलिंग्स ऑफ पिज्ज़ा। प, प इज द साउंड ऑफ, प किस लेटर की साउंड है स्टूडेंट्स, प इज द साउंड ऑफ पी। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ पी, कैपिटल पी वी विल राइट, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल पी इज स्ट्रेट लाइन एंड हाफ सर्कल, दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ पी आई, पी आई z, z, z इज द साउंड ऑफ z, Z, Z जोन सी है वो Z की साउंड है, टू टाइम्स Z आएगा, पिज्जा, पिज, पी आई जी, पिज जी ए जा, पी आई जी पिज, एक और दफा Z आएगा, पी आई डबल जी ए पिज्जा, पी आई जी पिज जी ए जा, एंड में आएगा ए पिज्जा। पिज्जा, P-I-Z, पिज्जा, पिज्जा,
ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द स्पेलिंग्स ऑफ पिज्जा. पिज्जा लिखने के बाद आपने थोड़ा सा गैप दे के आपने एक कॉमा लगाना है. पिज्जा कॉमा मस्ट लगाना है. कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. पिज्जा, पिज्जा के बाद उसको सेकंड क्या चीज पसंद है? फ्रूट्स में उसको पसंद है एप्पल. ये तो जंक फूड आ गया ना. फ्रूट्स यानी कि फलों में उसको क्या पसंद है? उसको फलों में एप्पल खाना पसंद है. आफ्टर लीविंग वन फिंगर गैप वी विल राइट स्पेलिंग्स ऑफ एप्पल. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ एप्पल स्टूडेंट्स? ए. वी विल राइट कैपिटल ए इन फर्स्ट थ्री लाइंस. ए हैज अ स्लंटिंग लाइन एंड अनदर स्लंटिंग लाइन एंड इट्स स्लीपिंग लाइन विल कम्स बिलो द सेकेंड लाइन लाइक दिस. सेकेंड जो लाइन है उससे नीचे आएगी इसकी स्लीपिंग लाइन. ए फ फ फ फ फ इज द साउंड ऑफ पी. वी विल राइट स्मॉल पी इन लास्ट थ्री लाइन. स्मॉल पी हैज अ स्ट्रेट लाइन एंड अ हाफ सर्कल. स्मॉल पी एप एपी एप फल फ. दोबारा से पी की साउंड आ रही है सो वी विल राइट डबल पी एंड अदर पी ए पी एप पल पी एल ई पल एप्पल. पी अगेन वी विल राइट स्मॉल पी इन लास्ट थ्री लाइन्स. पी हैज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स हाफ सर्कल विल टच सेकेंड एंड थर्ड लाइन प्रॉपरली. एप्पल फ ल. नेक्स्ट साउंड इज ल. ल इज साउंड ऑफ एल. एल हैज अ स्ट्रेट लाइन एंड टेल एंड ई. लास्ट आवर लेटर इज ई. ई हैज अ हाफ सर्कल एंड अ स्लंटिंग लाइन. एप्पल ए पी एप पी एल ई एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल. पिज्जा एप्पल. सारा लाइक्स टू ईट पिज्जा एप्पल. एंड लास्ट थिंग अभी हमने फ्रूट का लिखा है. अब हम एक वेजिटेबल लिखेंगे जो सारा को पसंद है. कौन सी वेजिटेबल है वो? पोटैटो. पोटैटो. पोटैटो की स्पेलिंग तो आपने वेजिटेबल्स नेम में याद किए हैं ना. यहाँ पे आपको वो लिखने में इजी होगी. आई डोंट थिंक सो कि आपको मसला होना चाहिए अगर आपने पोटैटो की स्पेलिंग याद किए हैं तो. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ पोटैटो? फ स्टार्टिंग फ्रॉम पी फ फो थे छो. फो पी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर स्ट्रेट लाइन एंड हाफ सर्कल. दिस इज आवर कैपिटल पी. पी ओ ओ will come in center two lines. O is a full circle. P O P O th. Th is a sound of T. Small T we will write straight line tail and its sleeping line will come between the first and second line. Po th. P O T port. P O T port. A A is the sound of A. A has a straight line tail and half circle. Port a toe. Th again sound of T. T has a straight line tail and its sleeping line will touch will come between first two lines. Po ta t o. Last our letter is O. O is a full circle in center two lines. Po ta to. After writing O must mention full stop. Full stop is compulsory. Whenever a sentence has complete, you should place a full stop on its end. अगर आप full stop नहीं place करेंगे तो आपके marks deduct होंगे. कोई भी punctuation, comma नहीं लगाएंगे, capital letter नहीं लगाएंगे या full stop नहीं लगाएंगे, आपके marks deduct होंगे. Okay students, इसके साथ ही हमारा written question number 5 complete हो जाता है. What was our today's topic? Like and dislike. And what they are asking? They are asking write name of three things. तीन चीज़ों के नाम लिखने हैं. सारा likes to eat, जो सारा को खानी पसंद है. कौन कौन सी चीज़ें थी? पिज्ज़ा, पिज्ज़ा एप्पल एंड पोटैटो. ये था हमारा क्लास वर्क. इसी तरह का आपने नेक्स्ट पेज पे होमवर्क भी करना है. नेक्स्ट पेज पे सी डब्ल्यू की जगह आप एच डब्ल्यू लिख देंगे और इसी तरह आप होमवर्क करेंगे. इसके स्पेलिंग्स आपने बहुत अच्छी तरह याद करनी है और इसको रफ पे भी प्रैक्टिस करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.